नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीकेएस के ऊपर हम सेट कर रहे थे, ये वीडियो का पार्ट टू है। इससे पहले दोस्तों, वीडियो का पार्ट वन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज। तो दोस्तों, नौरोज का फेमस पर्शियन फेस्टिवल इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश बलबन या फिरोज तुगलक। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हु वॉज नोन एज लाखवक्श। दोस्तों, लाखवक्श नाम से किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राजिया या बलबन। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखते हैं दोस्तों, हु वॉज कॉन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ गुणराज खान। दोस्तों, गुणराज खान के टाइटल से किसे कॉन्फर किया गया था, जनंदस, गोविंदा दास, मलाधर दास या चांदी दास। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा मलाधर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वक्ता टुकरम वॉज कंटेम्पररी ऑफ। दोस्तों, वक्ता टुकरम इनमें से किसके कंटेम्पररी थे, बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा जहांगीर। आगे बढ़ते दोस्तों, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड इन। अमृतसर की टीटी दोस्तों किस साल में साइन हुआ था, 1807, 1809, 1811 या 1813। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, व्हाई डिड ब्लैक होल ट्रेजेडी टेक प्लेस। दोस्तों, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ पर हुआ था, कैलकाटा, ढाका, मुंगेर या मुर्शिदाबाद। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन द ईयर। दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी किस साल में फाउंड हुआ था, 1784, 1785, 1794 या 1796। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द कस्टम ऑफ सती वॉज बैंड इन द ईयर। दोस्तों, सती किस साल में बैंड किया गया था, 1795, 1800, 1829 या 1858। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा 1829। आगे देखते हैं दोस्तों, द टाइटल राजा वॉज कॉन्फर्ड ऑन राजा राममोहन रॉय बाय। दोस्तों, राजा राममोहन रॉय का राजा टाइटल किसके द्वारा दिया गया था उन्हें, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, अकबर टू या बहादुर शाह जफर। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा अकबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द सांताल रिवोल्ट टुक प्लेस इन। दोस्तों, सांताल रिवोल्ट यानी कि सांताल विद्रोह किस साल में हुआ था, 1855, 1857, 1859 या 1871। तो दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा 1855। आगे देखते हैं दोस्तों, नेपा न्यूज़प्रिंट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन। दोस्तों, नेपा न्यूज़प्रिंट फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन इज अ फ्री ट्रेड जोन। दोस्तों, इनमें से कौन सा एक फ्री ट्रेड जोन है। दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा कांडला। आगे देखते हैं दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर क्विजेस देना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के ऊपर आप क्विज देना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, तो फिर आप क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। दोस्तों, WTO किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था, तो दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा 1995। आगे देखते हैं दोस्तों, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ विंड पावर। दोस्तों, किस स्टेट में विंड पावर का लार्जेस्ट इंस्टॉलेशन हमें देखने को मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखते चलिए, द फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया वॉज सेटअप इन। दोस्तों, इंडिया का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप हुआ था, मंडी, दार्जिलिंग, शिवसमुद्रम या प्याईकरा। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा दार्जिलिंग। आगे देखते हैं दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन विच ईयर। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है FCI किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था, 1955, 1960, 1965 या 1970। दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 1965। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन बोरगा वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। दोस्तों, ऑपरेशन बोरगा किस स्टेट में पहली बार इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, केरला या बिहार। दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। इन इंडिया द मेजर 14 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर। दोस्तों, इंडिया में हमारे 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स किस साल में नेशनलाइज्ड हुए थे, 1949, 1953, 1969 या 1975। दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा 1969। दोस्तों, टेलीग्राम की बात याद रखना, अगर आपको डेली बेसिस पर इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर क्विजेस देने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस साल एस्टैब्लिश हुआ था, 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, नरसिम्हा कमेटी इज एसोसिएटेड विद द। दोस्तों, नरसिम्हा कमेटी इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ रिलेटेड है, शुगर इंडस्ट्री रिफॉर्म्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रिफॉर्म्स
बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स या नन ऑफ दिस। दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। दोस्तों आज का वीडियो यही तक था, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो फिर अनऑफिशियल एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि वीडियो का पार्ट 3 पार्ट 4 जब भी मैं रिलीज करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।